So, students, hello everyone. Welcome to Study Smart Wala. So, today we are going to continue with the chapter number two, that is End to Bipolarity, Class 12, Political Science. So, students, happy learning with Study Smart Wala. Let's begin. So,

डीरेग्यूलेशन ऑफ करेंसी नेक्स्ट सोशल वेलफेयर डिक्लाइन माफिया टुक प्लेस इन दीज कंट्रीजिग्रेशन ऑफ सोसाइटी आगे चलते हैं देखिये लार्जेस्ट गैराज सेल ये एक कॉन्सिक्वेंस का क्या है लार्जेस्ट गैराज सेल इससे पता लग रहा है कि कुछ बहुत ही थ्रो अवे प्राइजेस में या फिर सस्ते दामों में चीजों को बैठना बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अब क्या था ये देखो नाइन्टी परसेंट जो था 90 जो industries थी, sorry. Hold on. Okay. 90 जो मतलब कि उस टाइम पे आपको पता है कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट थी, थी, तो किसका uh, किसका रूल था उस टाइम पे गवर्नमेंट का मतलब सारी जो रिसोर्सेज थे सब किसके हाथ में थे इंडस्ट्रीज सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में थे स्टेट के हाथ में थे ठीक है तो नाइनटी परसेंट जो था स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी मतलब स्टेट के अंडर आती थी सारी की सारी अब ट्रांजेक्शन किस में हुआ है कैपिटलिस्ट में तो सारी की सारी जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी उसको सेल के लिए लगा दिया गया किसके लिए सेल के लिए और किसको सेल किया प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज को ठीक है जो प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनीज थी उसको सेल के, के लिए इसकी ऑक्शन लगा दी ठीक है बोली लगा दी किन की बोली लगा दी जो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी और इनको इतना सस्ते दामों पे बेचा गया इतने सस्ते दामों पे कि उनको बोला जाता है कि थ्रो अवे प्राइजेस में बेचा गया मतलब बिल्कुल मिट्टी के ठीक है बिल्कुल ही सस्ते दामों पे बेचा गया रिस्ट्रक्चरिंग वॉज कैरिड आउट बाय मार्केट फोर्सेज एंड नॉट बाई गवर्नमेंट आप देखो जो रिस्ट्रक्चर चल भी रहा है कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में कौन कर रहा है गवर्नमेंट नहीं करी मार्केट फोर्सेस जैसे दाम लगाए जाएंगे मार्केट में है उस हिसाब से उसकी सेल होगी इट लीड टू जिसकी वजह से क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुआ वर्चुअल डिसअपीरियंस ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट ऑल द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिस्टम ठीक है धीरे धीरे क्या हुआ वर्चुअल डिसअपीरेंस का मतलब इधर क्या है कि जो स्टेट ओंड इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे खत्म होती गई क्या होती गई उनका उनका जो स्टेट ओन इंडस्ट्रीज थी वो सेल होती गई तो इसको बोला जाता है लार्जेस्ट गैराज सेल क्या बोला जाता है लार्जेस्ट गैराज सेल ठीक है और जो बहुत सारे जो कॉमन इंडिविजुअल थे जो सारे लोग उधर रह रहे थे उनको बोला उनको वॉचेस दिए गए क्या दिए गए दे वर गिवन वॉचेस ठीक है कि वो वॉचेस uh, उनको बोला गया कि आप आओ और उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करो आप भी खरीदो लेकिन क्या था उस टाइम पे इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन था बहुत ज्यादा था और जो uh, करेंसी थी वो डी वैल्यू हुई पड़ी थी मतलब कि रूबल जो था बेसिकली वो बहुत uh, कम हुआ पड़ा था उसकी वैल्यू तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ था लोगों के पास पैसे ही नहीं थे एंड पार्टिसिपेटेड एंड परचेज ऑफ कंपनी तो उनको बुलाया गया तो उनके पास तो पैसे ही नहीं है तो उन्होंने क्या किया उस वॉचेस को ब्लैक कर दिया मतलब कि ब्लैक मार्केट में बेच दिया उनको ज्यादा दामों पे वॉचेस को बेच दिया कि क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे उन्हें तो पैसे चाहिए थे तो उनको लगा दिस इज द बेस्ट वे तो हमारे किसी काम के नहीं है हमारे पास पैसे ही नहीं है कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदने के तो हम क्या करते हैं इस वॉचर्स को ही जो हमें मिले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम इन्हें क्या करते हैं ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं ठीक है तो ये तो था हमारा लार्जेस्ट गैराज सेल ये पहला था कंसिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी ठीक है नेक्स्ट चलते हैं डी रेगुलेशन ऑफ करेंसी ये पॉइंट मैंने अभी भी बताया आपको सेकेंड पॉइंट आपका दैट इज डी रेगुलेशन ऑफ करेंसी मतलब क्या है इसका इसका है कि जो रशियन करेंसी uh, थी बेसिकली वो रूबल थी और उस टाइम पे ये डिक्लाइन होती जा रही थी मतलब डिवैल्यू होती जा रही थी इसके जो है क, और आपको ये पता होना चाहिए जब भी करेंसी डी वैल्यू होती है तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है हमें कुछ भी चीज खरीदू तो हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उसके ठीक है तो इन्फ्लेशन इंक्रीजेस लोगों के पास क्या हो रहा था उनकी खुद की सेविंग्स खत्म हो क्योंकि जब वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं तो सेविंग्स उनकी खत्म होती जा रही थी ठीक है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ये हो गया आपका कलेक्टिव फार्म सिस्टम एंडेड लीड टू फूड शॉर्टेज अब आपको पता ही है मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि पहले क्या होता था हमारा पहले उसमें यूएसएसआर में क्या होता था सब मिलकर उनको कलेक्टिव फार्म फार्मिंग करते थे वो लोग लेकिन जब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में चेंज हुआ तो सबने बोला कि नहीं हम साथ काम नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हमें अपने अपने लैंड चाहिए और उसके ऊपर हम कल्टीवेशन करेंगे और उसी से ही हमारा जो होगा हमारे इंडिविजुअल का होगा क्योंकि पहले कलेक्टिव फार्म सिस्टम में क्या होता? था था सारे के सारे मिलकर फार्मिंग करते थे और जो भी प्रॉफिट होता था उसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट होता था तो आपको समझ आ गया रेगुलेशन ऑफ करेंसी में मेन पॉइंट है यहाँ तक कि इन्फ्लेशन बढ़ गया था जिसकी वजह से लोगों के लोगों की सेविंग्स खत्म होती जा रही थी ठीक है अब चलते हैं सोशल वेलफेयर डिक्लाइन इसका क्या मतलब है सोशल वेलफेयर डिक्लाइन सोशल वेलफेयर डिक्लाइन का मतलब है कि उस टाइम पे क्या होता था आपको अच्छे से याद है कि याद होगा कि जो ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है जो सारे के जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो मिनिमल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों को प्रोवाइड करती है तो बेसिक जो नेसेसिटीज की जो चीजें होती है सबको पुअर सभी को, को, मतलब को प्रोवाइड करती है जो जो गरीब है उन, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है जो बेसिक लाइवलीहुड की चीजें उनको प्रोवाइड की जाती है स्टेट ये करती है जब आपको पता है स्टेट ओन रूल चला गया है तो, और स्टेट ओन जो वेलफेयर प्रोग्राम थे वो भी खत्म हो गए तो धीरे धीरे जो सब्सिडीज जो पुअर फैमिलीज को मिलती थी उन, उनकी सब्सिडीज बंद हो गई ठीक है मतलब सस्ते दामों पे चीजें मिलना खत्म हो गया साथ ही साथ उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि जो सोसाइटी का जो पुअर वर्ग था बहुत सारे जो मिडिल क्लास भी थे और जो 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 सब्सिडीज पे अपना पूरा का पूरा फोकस था जिनका सब्सिडीज पे चलता था उनका अब उससे क्या हुआ वेलफेयर स्कीम्स खत्म होने की वजह से बहुत ज्यादा सेक्शन ऑफ पीपल पुअर सेक्शन में आ गया मतलब ये गवर्नमेंट पहले बहुत देखती थी फूड का शेल्टर का ये सारी चीजें एजुकेशन का कि सबको सबको मिले ठीक है लेकिन ये सारी चीजें जब स्टेट ओन गया सारे रिसोर्सेज तो सब्सिडीज विड्रॉ हो गई सब्सिडीज विड्रॉ हो गई और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वो भी खत्म हो गया जिसकी वजह से ज्यादा सेक्शन ऑफ सोसाइटी किस में आ गई किस कैटेगरी में आ गई पुअर कैटेगरी में अब साथ ही साथ क्या हो रहा था माफिया टू प्लेस इन दीज कंट्रीज माफिया भी शुरू हो गया था माफिया मतलब क्या होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन गुंडागर्दी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है एक तरह से माफिया सिस्टम शुरू हो गया था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बहुत ही निहायती का, काले धंधे शुरू हो गए थे ठीक है गुंडागर्दी शुरू हो गई थी तो जिसकी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं से उन्हें अपने लिए आ, किसी किसी मोड से किसी मीडियम से उन्हें अपने लिए पैसे चाहिए थे तो ये माफिया भी शुरू हो गया था फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ डिस इंटीग्रेशन सोसाइटी बिटवीन रिच एंड पुअर अब एसा से, एसा दो भागों में बढ़ गई थी या तो लोग रिच थे या पुअर या थे ठीक है तो दो वर्गों में बढ़ गई थी रिच एंड पुअर फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को माना ही नहीं जा रहा था एक्चुअली क्या हो रहा था इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही थी आपको पता है अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक होती है तो वहां पर लोग अपनी बात रख सकते हैं लेकिन इस इंस्टीट्यूशन में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कुछ भी नहीं था इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो था जल्दबाजी में पास हो रहे थे हर एक कंट्री के जो इंडिपेंडेंट हो रही थी यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो रही थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो थे बहुत ही जल्दी जल्दी पास किए जा रहे थे ऑल पावर लाइंग इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो था उसके हाथ में सारी की सारी पावर थमा दी थी अब एक बंदे के हाथ में जब इतनी पावर आ जाए तो वो क्या होगा वो क्या हो जाता है अथॉरिटेटिव ठीक है वो सोचेगा मैं अपने हिसाब से अपना चलाऊंगा तो प्रेजिडेंट के हाथ में जब पावर गई तो क्या हुआ देखो सेवरल सेवरल कंट्रीज कंट्रीज बिकम के जो प्रेसिडेंट बने प्रेसिडेंट बने वो क्या हो गए दे बिकम अथॉरिटेरियन मतलब की वो अपनी चलाने लग गए जैसे कि एग्जाम्पल तुर्कमेनिस्तान में और उजबेकिस्तान में देखा गया ये भी यूएसएसआर से डिस इंटीग्रेट हुई थी यहाँ का प्रेसिडेंट जो थे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट uh, चला रहे थे ये पहले टेन इयर्स के लिए आए फिर फर्दर अपनी ही टर्म दस साल तक इंक्रीज कर दी और दस साल बढ़ा दी तो ये एक तरह से अथॉरिटेरियन रूल ही तो आप अपने आप, आप जो है दूसरा कोई प्रेसिडेंट बन ही नहीं रहा आप ही बनते जा रहे हो जुडिशरी जो कल्चर था वो भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था कि सजा जो सजा दे सके कुछ गलत हो तो उसे रोक सके ऐसा जुडिशरी कल्चर भी नहीं बना था ये भी नहीं था उस टाइम पर तो ओवरऑल देखा गया कि ये सारी सिचुएशन जो है हम एक बार चलते हैं स्टार्टिंग पर ठीक है कंसीक्वेंसेस पर चलते हैं एक बार हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े देखो हमने लार्जेस्ट गैराज सेल पढ़ लिया रेगुलेशन लार्जेस्ट गैराज सेल किसको बोला गया जो स्टेट ओन इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ही थ्रो अवे प्राइजेस में बेचा गया किसको बेचा गया प्राइवेट uh, ओनर्स को और उस टाइम पे ऑक्शन लगाई और और बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर बेची गई और उससे उसको बोला गया लार्जेस्ट गैराज सेल ठीक है डी रेगुलेशन ऑफ करेंसी मतलब कि डी वैल्यू ऑफ द करेंसी बहुत ही कम हो गई वैल्यू किसकी करेंसी की जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई और लोगों की सेविंग्स खत्म होती गई सोशल वेलफेयर डिक्लाइन मतलब कि जो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करती थी लोगों के लिए वो भी खत्म हो गया और जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लग गए जो जो बढ़ता गया माफिया टुक प्लेस क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो माफिया सिस्टम शुरू हुआ डिस इंटीग्रेशन सोसाइटी बिटवीन रिच एंड पुअर जो रिच थे वो और रिच जो पुअर है वो गरीब होते गए और भी मतलब दो सोसाइटी बन गई एक रिच की एक पुअर की डेमोक्रेटिक इंस्टिट्यूशन पे ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से अथॉरिटेरियन रूल एस्टेब्लिश हो गया बहुत सारी कंट्रीज में ये तो पॉइंट हो गया एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको धीरे धीरे 2000 2000 में क्या हुआ जब ये ये तो एंड ऑफ बाइपोलारिटी जो टॉपिक है इसमें हमने कंसिक्वेंसिस किए तो आफ्टर 2000 क्या हुआ था कुछ जो कंट्रीज जो थी कुछ जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की थी जिसमें से रशिया तुर्कमेनिस्तान उजबेकिस्तान अज़रबैजान, इन्होंने क्या किया ऑयल प्रोडक्शन शुरू की और एक्सपोर्ट करना शुरू किया और एक्सपोर्ट uh, जब करा तो उससे क्या हुआ उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करा ठीक है तो ये एक पार्ट था कि बाद में इस शॉक थेरेपी के बाद उन्होंने धीरे 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 अपने आप की कंडीशन को रिवाइव इकोनॉमी को रिवाइव करने की पूरी कोशिश की ऑयल एक्सपोर्ट uh, और साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी जिस कंट्री में ऑयल लाइंस डलती थी उस कंट्री को रेंट मिलने लग गया कि यहाँ से ठीक है आपकी कंट्री से ये पास हो रही है ऑयल ऑयल पाइपलाइंस पास हो रही है तो ठीक है हम आपको क्या दे, दे देंगे इस uh, इस कंट्री uh, ये वाली कंट्री रेंट लेगी मतलब कि रेंट मिलेगा उसे ठीक है तो इस तरीके से ऑयल uh, प्रोडक्शन के थ्रू ऑयल एक्सपोर्ट के थ्रू धीरे-धीरे इन कंट्रीज ने अपने आप को क्या किया रिवाइव किया अपनी इकॉनमी को आफ्टर 2000 तो उन कंट्रीज का मैं नाम आपको बता रही हूं Russia, जैसे की अज़रबैज़ान, ठीक है ठीक है? So, आज हमने complete कर लिया, अब हमारे शायद एक दो और बचे हैं, हैप्पी लर्निंग विद दस सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टूडेंट्स एंड बी दार्ट ऑफ दिस स्टडीज स्टडी स्मार्ट वाला And we will meet soon with my next video. And till then, take care. Bye.